गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को गुरुकुल कोचिंग संस्थान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग अर्थशास्त्र के विशेष महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश करें। इस अध्याय का नाम है सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, अर्थात सरकारी खर्च, सरकार के द्वारा किए जाने वाले खर्च। किसे कहते हैं? किस आधार पर जो सरकारें खर्च करती है, सरकार जो खर्च करती है वो क्या तरीका होता है, किस किस कारण से सरकार खर्च करती है, क्यों करती है, उससे क्या लाभ है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक अति महत्वपूर्ण कार्य को करती है, वो है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय सरकार सामाजिक विकास, सामाजिक उत्थान, यानी आम जनता को लाभ देने के उद्देश्य से जो खर्च करती है उसे ही सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। लेकिन यह सार्वजनिक व्यय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं की जाती है। उसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मात्र एक उद्देश्य होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है आम जनता को सहयोग प्रदान करना, उनकी सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का प्रायोजन करना। उसमें उद्देश्य ये नहीं होता है कि हमें लाभ ही लाभ कमाना है। कुछ सरकार के ऐसे क्षेत्र हैं जहां लाभ भी होता है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मात्र एक उद्देश्य होता है कि हम पैसे जो लगाएं, हम जो एक्सपेंडिचर करें, हम जो व्यय करें, उससे हमारा केवल लाभ ही लाभ हो। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह नहीं पाया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मात्र ये उद्देश्य होता है कि हम अधिक से अधिक अपनी जनता को सर्वांगीण विकास कैसे करें, इसी के उद्देश्य से सार्वजनिक व्यय का अपनाया जाता है। और हम लोग देखें कि सार्वजनिक व्यय कोई भी सरकार हो, सार्वजनिक सत्ताधारियों द्वारा अथवा लोक अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। सार्वजनिक व्यय लोक सत्ता के अधिकारियों द्वारा, लोक सत्ता के द्वारा जो किए जाने वाले जो खर्च है, जो सरकार के द्वारा किए जाने वाले खर्च है, वो या स्थानीय सरकार हो, या वो राज्य की सरकार हो, या केंद्र की सरकार हो, ये तीनों के से यदि कोई खर्च की जाती है उसी को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। लोक अधिकारियों के अंतर्गत कौन कौन? केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार का समावेश किया जाता है। भारत में सार्वजनिक व्यय में, सरकार में, लोक सत्ता में कौन कौन है? केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं और स्थानीय सरकारें हैं। इसी को सम्मिलित करके जो खर्च किए जाते हैं उसी को हम लोग सार्वजनिक व्यय कहते हैं। चूंकि इन व्ययों के उद्देश्य या तो नागरिकों की सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि है अथवा आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना है,
आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। अतः सार्वजनिक व्यय से अभिप्राय देश के नागरिकों की रक्षा करने अथवा उनके आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की वृद्धि हेतु किए जाने वाला व्यय को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। यदि हम लोग देखें कि सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण हम उसको किस रूपों में बांट सकते हैं, कितने रूपों में बांट सकते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, किसके आधार पर सरकारें खर्च किए करती हैं, सरकार जो खर्च करती है वो किन किन रूपों में खर्च करती है, उसमें यदि हम लोग देखें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, मतलब दस प्रकार से है। पहला देखती है सरकार लाभ के आधार पर, सरकार किस पर खर्च कर रही है, लाभ के आधार पर। ये लाभ इसको सरकार को क्या होती है, कैसे होती है, लाभ का आधार कौन कहा है, कौन, इसके प्रोफेसर कौन एवं प्लेन। कौन एवं प्लेन ने लाभ के आधार पर, मतलब जो इसका वर्गीकरण है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो इसको बांटा गया है सार्वजनिक व्यय को, तो सार्वजनिक व्यय को जो बांटा गया है ये विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसके विभिन्न रूप से अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें लाभ का आधार प्रोफेसर काहन एवं प्लेन ने दिया है। इसमें क्या कहता है, संपूर्ण समाज का लाभ पहुंचाने वाले सरकारी व्यय, संपूर्ण समाज को लाभ पहुंचाना, संपूर्ण समाज को, संपूर्ण समाज को क्या करना है, लाभ देने के उद्देश्य से जो खर्च करती है सरकारी व्यय होती है। दूसरा, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी व्यय, जैसे एक तो कहता है कि संपूर्ण वर्ग को जो लाभ पहुंचेगा, पूरे समाज की जनता को, कि जिसमें आम जनता भी हो, खास जनता भी हो, सभी को लाभ हो। एक दूसरा कहता है कि कुछ लोगों को, इसी में क्या कहता है, कुछ लोगों को लाभ। मात्र इसमें कुछ ही लोग हैं, जैसे निर्धन वर्ग, विधवा संवर्ग, इन लोगों को जो लाभ दी जाती है वो सभी को नहीं है, जो विधवा होंगे उन्हीं को, जो निर्धन होंगे उन्हीं को जो लाभ दिया जाता है, तो कुछ ही लोग का। पहला था पूरी जनता को लाभ देना, फिर कहता है कि कुछ ही लोगों को लाभ देना, लाभ देने पर जो सरकारें खर्च करती है, और जैसे कुछ लोगों तथा साथ ही संपूर्ण समुदायों को, कुछ तो कुछ लोगों को मिलता है और कुछ में पूरे समुदाय को लाभ देने की उद्देश्य होता है, वो है आपका न्याय व्यवस्था, जस्टिस जो होते हैं, इसमें किसी खास समुदाय के लिए भी होता है और सभी समुदायों के लिए भी होता है। यदि किसी को न्याय के लिए किसी को न्यायालय जाना होता है और न्यायालय के प्रति जो उनका जो लाभ होता है, तो किसको होता है, जो न्यायालय जाते हैं, केस मुकदमा लड़ते हैं, कहीं लड़ाई कर लिए, मुकदमा में फंस गए, वो चले गए, उनकी न्याय की व्यवस्था मिलेगी। और इस न्याय व्यवस्था में जो सरकारें खर्च कर रही है, तो ये भी कुछ जनता को लाभ मिलता है, कुछ जनता को लाभ नहीं मिलता है, तो इसमें भी कहता है कि कुछ वर्ग या संपूर्ण वर्ग को लाभ उद्देश्य, जैसे जो यदि न्याय व्यवस्था में लाभ मिलेगा तो किसको लाभ मिलेगा, जो केस मुकदमा में फंस गए हैं, तो उनको न्याय की व्यवस्था के लिए जो जाएंगे कोर्ट में, न्यायालय में जाएंगे, उनको लाभ होगा, यानी कि कुछ संवर्ग के लिए
जो न्याय व्यवस्था के प्रति सरकारें जो खर्च करती हैं वो भी लाभ के अंतर्गत आता है। फिर है कुछ विशिष्ट वर्गों के लाभ पहुंचाने के लिए, कुछ विशिष्ट वर्ग जैसे विधवा पेंशन हो गया, किन्हीं की आकस्मिक मृत्यु पर जो सरकारें जो 10,000-15,000 की जो अनुदान देती है, तो ये किसी विशिष्ट संवर्ग के लिए ही सरकारें जो व्यय करती है, कुछ विशेष संवर्ग को लाभ पहुंचती है। यानी प्रोफेसर काहन एवं प्लेन ने, काहन एवं प्लेन ने जो प्रतिपादन किया है लाभ के आधार पर, इसके जो चार हम लोग कह सकते हैं कि विशेष, एक हम लोग देख सकते हैं कि सभी संवर्गों को लाभ पहुंचता है, सभी संपर्क को, सभी जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारें जो व्यय करती है उसे सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। इसके साथ में कहता है कि कुछ कुछ संवर्ग को, कुछ वर्ग के लिए जो सरकारें खर्च करती है, जैसे निर्धन वर्ग, तो निर्धन वर्ग के लिए जो निर्धन होंगे उनको लाभ मिलेगा, जो निर्धन नहीं उनको लाभ नहीं मिलेगा। फिर कहता है कि कुछ लोगों के लिए या कुछ अधिक लोगों के लिए उसमें न्याय व्यवस्था, जो न्यायालय जाएंगे उनको लाभ मिलेगा, और जो न्यायालय नहीं जाएंगे, जो उसमें नहीं फंसते हैं, जो न्यायालय के चक्कर में नहीं फंसते हैं, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। यानी इस पर जो सरकारें व्यय करती है, इसके अलावे कुछ विशिष्ट संवर्ग है जैसे विधवा पेंशन, विधवा पेंशन किनको मिलता है, जो विधवा हो जाती हैं उनको सरकार जो खर्च वहन करती है, इन सारे जो खर्चों को सरकार जो व्यय करती है इसी को सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत लाभ के आधार पर इसको बांटा गया है। और लाभ के आधार पर किसने बांटा है, काहन एवं प्लेन ने बांटा है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा है आय के आधार पर, दूसरा क्या है, आय के आधार पर। अब हम लोग आय के आधार पर जो सरकारें जो खर्च करती है, आय के आधार पर जो सरकारें खर्च करती है उसको भी सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। और इसका प्रतिपादन किसने किया है, आय के आधार पर प्रोफेसर निकल्सन, प्रोफेसर निकल्सन महोदय ने इसका प्रतिपादन किया है। इसमें कहा है कि सरकार जो सेवाएं संपन्न करती है उसके बदले में उसे कितनी आय प्राप्त होती है, मतलब जो सरकार जो खर्च करती है और सरकार को क्या आय की प्राप्ति होती है उसके आधार पर भी हम लोग देख सकते हैं। वे व्यय जिसके आधार पर सरकार को राजस्व या आय का कोई प्रत्यक्ष प्राप्ति नहीं होती है, मतलब सरकार जो खर्च कर रही है तो सरकार को बदले में कोई आय की प्राप्ति नहीं होती है। पहला हम लोग देखेंगे कि आय की प्राप्ति नहीं होती है, आय की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसमें कौन कौन लोग हैं, इसमें जैसे निर्धनों की सहायता, निर्धनों की सहायता, यदि सरकार निर्धनों की सहायता करती है तो सरकार को आय की प्राप्ति नहीं होती है। सरकार किस पर खर्च कर रही है, निर्धनों के ऊपर, तो निर्धनों से सरकार की आय थोड़ी प्राप्ति होगी। इसलिए हम लोग इसको मान के चलते हैं कि इसके द्वारा सरकार को आय की प्राप्ति नहीं होती है। और कहां से आय की प्राप्ति नहीं होती है, वो है युद्ध व्यय, यानी सरकार युद्ध करती है, देश दूसरे देश के साथ युद्ध करती है और युद्ध में जो खर्चे होती है उसे सरकार को आय की प्राप्ति नहीं होती है। तो हम लोग क्या देखें कि आय की प्राप्ति जिसमें नहीं होती है वैसे व्यय को, जिसको हम लोगों ने निकल्सन महोदय ने माना है
कि वैसे जगह सरकारें जहां खर्च करती है जहां से आय की प्राप्ति नहीं होती है, और दूसरा कहता है कि वे जिसके राजस्व सरकार को राजस्व आय की कोई प्रत्यक्ष प्राप्ति नहीं होती है, अप्रोक्ष रूप से प्राप्त होती है। एक वैसा वर्ग है, एक ऐसा जगह है जहां सरकारें खर्च करती है लेकिन सरकार को वहां से प्रत्यक्ष रूप से आय की प्राप्ति नहीं होती है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है, जैसे शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा में क्या है, सरकार जो खर्च कर रही है, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, तकनीकी विश्वविद्यालय हो, कृषि विश्वविद्यालय हो, इसमें क्या है कि सरकार जो खर्च करती है इस खर्च के बदले में प्रत्यक्ष रूप से सरकार को लाभ तो नहीं मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से सरकार की आय की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थियों से कुछ ना कुछ क्षेत्र में यहाँ सरकारें फी वसूल करती है, शुल्क वसूल करती है। इसलिए माना जाता है कि सरकार जो व्यय कर रही है, सार्वजनिक व्यय कर रही है, उसमें सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से आय की प्राप्ति होती है। अब हम लोग वैसे मान के चलते हैं जिनके राजस्व की आंशिक प्राप्ति होती है, पूरा पूरी था क्या परोक्ष रूप से, और दूसरा है आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ उन्हें शुल्क की प्राप्ति होती है, इसमें भी शिक्षा है। शिक्षा से कुछ आंशिक रूप से कुछ ही सही, लेकिन सरकार को व्यय से आय की प्राप्ति होती है। और एक वे वर्ग होते जिनमें राजस्व की पूर्ण प्राप्ति होती है, कभी कभी तो लाभ के साथ, जैसे डाकघर की सेवा, डाकघर की सेवा में सरकार पूरी खर्च करती है लेकिन इसके बदले में सरकार को भी आय की प्राप्ति होती है, जैसे रेवेन्यू टिकट की बिक्री होना, ड्राफ्ट की बिक्री होना, ये क्या है, सरकार की आय की प्राप्ति है। फिर उसके बदले में बहुत सारे कार्य जो होते हैं सरकार उनसे शुल्क वसूलती है, तो ऐसे में सरकार को प्रत्यक्ष रूप से आय की प्राप्ति होती है। गैस निर्माण, साधारणतः राजकीय उद्योग, राजकीय उद्योग सार्वजनिक उद्योग, इसमें भी सरकारें खर्च करती है लेकिन इनको, इनके बदले में इनको कुछ ना कुछ आय की प्राप्ति होती है। हम लोग क्या क्या देख लिए, लाभ के आधार पर सार्वजनिक व्यय, आय के आधार पर सार्वजनिक व्यय, अब हम लोग देखेंगे कार्यों के आधार पर, अब क्या देखेंगे कार्यों के आधार पर सार्वजनिक व्यय। अब क्या देखेंगे कार्यों के आधार पर सार्वजनिक व्यय, इसमें क्या है कि जो सरकारें जो खर्च करती है वो कार्य के आधार पर क्या है, रक्षात्मक कार्य, फिर है वाणिज्यिक कार्य, इसमें कार्यों के आधार पर जो सार्वजनिक व्यय किया जाता है इसके विषय में कौन किए हैं, कौन से प्रोफेसर इसमें किए हैं,
आदम आदम स्मिथ कार्यों के आधार पर का जो वर्गीकरण किया है सार्वजनिक व्यय, इसमें कौन से प्रोफेसर किए हैं? आदम स्मिथ महोदय ने ये बांटा है कि सरकार का जो सार्वजनिक खर्च होती है वो सुरक्षात्मक कार्य है, वाणिज्यिक कार्य है और विकास का कार्य है। विकास कार्य ये तीन कार्य है, सुरक्षा, वाणिज्य कार्य, विकास कार्य। ये तीनों कार्य पर जो खर्च होती है और सरकारें इस पर खर्च करती है उसको सार्वजनिक व्यय कहा जाता है, कार्य के आधार पर। और कार्य के आधार पर जो वर्गीकरण हमें किया है वो है, आदम स्मिथ महोदय ने इसका वर्गीकरण को किया है। अब जैसे सुरक्षात्मक कार्य, प्रतिरक्षा, न्यायालय, पुलिस या व्यवस्था, सरकार सुरक्षात्मक कार्य में क्या क्या कार्य करती है? प्रतिरक्षा का कार्य करती है, इस पर जो सरकारें की जो खर्च होती है, न्यायालय का जो खर्च होती है, पुलिस या व्यवस्था में जो सरकारें खर्च होती है, ये सारे कार्य के आधार पर सरकार अपनी खर्च करती है। उसके बाद है वाणिज्य कार्य में प्रदर्शन या मेला, बाजार, ये सारी चीज की क्या है, वाणिज्यिक कार्यवाह हेतु सरकार जो कार्य करती है, प्रदर्शनियां लगाती है, मेला लगाती है, बाजार लगाती है, इस पर जो सरकार के जो खर्च होती है वो कार्यात्मक आधार पर जो सार्वजनिक व्यय होती है इसको कहा जाता है। विकास कार्य में हो गया, शिक्षा, सड़क, रेल, परिवहन, इस सब में जो विकासात्मक कार्य हेतु जो खर्चे होती है। और इसके साथ हम लोग जोड़ सकते हैं सामाजिक, सामाजिक मनोरंजन, इस सब पर भी सरकार क्या करती है, खर्च करती है। इसके साथ साथ हम लोग अन्य जो खर्च है वो सारे चीज सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत में रखा गया है। अब यदि हम लोग अगला देखें, आवश्यक एवं ऐच्छिक कार्यों के आधार पर, और आवश्यक एवं ऐच्छिक कार्यों का जो प्रतिपादन किया है इसमें किए हैं जेएस मिल। आवश्यक एवं ऐच्छिक कार्यों का जो प्रतिपादन किए हैं प्रोफेसर जेएस मिल ने किया है। इसमें कहता कि आवश्यकता हो या ऐच्छिक हो, सरकार की इच्छा करे, सरकार की इच्छानुसार जो खर्च होती है और आवश्यक यदि सरकार को आवश्यक महसूस हो उसके आधार पर जो व्यय करती है वो हो गया आवश्यक एवं ऐच्छिक कार्यों के आधार पर। और इसका प्रतिपादन प्रोफेसर जेएस मिल ने किया है। इसके आगे भी हम लोग देखें, आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण। अब क्या है, आवश्यकता के आधार पर, यानी सरकार को आवश्यकता लगे और जो लगता है उसमें जो सरकार जो वहन करती है, जो खर्च करती है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि आवश्यकता के आधार पर जो वह सार्वजनिक व्यय हुआ इसका रोस्चर महोदय ने प्रतिपादन किया। इसमें है सरकार को करना है या नहीं करना है, लाभदायकता के आधार पर है, जैसे वांछनीय है,
या तो इसको किया जा सकता है या तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर अनावश्यक दिखावटी, सरकारें कुछ ऐसे खर्च करती है जो दिखावा के लिए करती है, जो दिखावटी खर्च होती है सरकार की, उसको हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद है प्राथमिक एवं गौण, सरकार की प्राथमिकता के आधार पर, और गौण का मतलब होता है सेकेंडरी, मतलब उसको हम बाद में भी खर्च कर सकते हैं सेकेंडरी को। तो पहले हम लोग प्राथमिकता के आधार पर देखते हैं इसको किसने किया है। इसको प्रोफेसर फिंडले सिराज इसको फिंडले सिराज महोदय ने वर्गीकरण किया प्राथमिक एवं गौण का। जैसे मुख्य व्यय में कौन आ गया, प्रतिरक्षा का व्यय, कानून व व्यवस्था की स्थापना की श्रेणी इत्यादि की अदायगी जो होती है वो आपका सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत आता है। और गौण व्यय में वे आते हैं जैसे सामाजिक व्यय, सरकारी उद्यमों का व्यय तथा कुछ विविध व्यय जैसे शिक्षा, जन स्वास्थ्य, निर्धन सहायता, बेरोजगारी, बीमा एवं अकाल इत्यादि में जो सरकारें खर्च करती है उसको गौण व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद है डाल्टन के आधार पर वर्गीकरण। डाल्टन महोदय ने क्रय मूल्य के आधार पर बांटा है, जिसमें सरकार अपनी किसी कर्मचारी को वेतन तथा मजदूरी के रूप में जो व्यय करती है, सरकार जो अपनी सरकारी कर्मचारी को जो वेतन देती है, आम जनता को जो मजदूरी देती है, उसके रूप में जो क्रय मूल्य होती है उसको डाल्टन महोदय ने देखा है। फिर अनुदान, अनुदान क्या है, जो सरकार को लगता है कि कुछ वृद्धावस्था, वृद्धा पेंशन में जो अनुदान देती है, विधवा पेंशन में जो अनुदान देती है, ये सारे चीज को हम लोग अनुदान के रूप में कहते हैं, और जो सरकार अनुदान के रूप में व्यय करती है। हम लोग सामान्य राजस्व से सामाजिक बीमा के अंशदान के रूप में भी करती है। अभी हम लोग देखें कि हस्तांतरित एवं अहस्तांतरित, यानी हम वैसे कार्य को जो हस्तांतरित करते हैं एक जगह से दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं, उसमें भी सरकार की जो व्यय होती है उसको हम लोग कहते हैं हस्तांतरणीय एवं अहस्तांतरणीय। यानी जिसको हम लोग हस्तांतरण कर सकते हैं वैसे कार्यों में वे खर्च जिनके द्वारा सरकार के उपयोग के लिए उत्पादकीय साधनों की चालू सेवाएं क्रय की जाती है, जैसे सेना, नौसेना, वायुसेना, नागरिक सेवा, शिक्षा तथा न्यायपालिका पर किए गए व्यय को अहस्तांतरणीय व्यय कहा गया है। और कुछ कुछ उपज या मौद्रिक उपज को जन्म देते हैं, और वे खर्च जो या तो निःशुल्क अदायगियों के रूप में किए जाते हैं अथवा निजी व्यक्तियों के संपत्ति के अधिकारों की खरीद की अदायगी के रूप में हस्तांतरणीय वे की किसी भी प्रकार की आय की उपज की निर्माण नहीं करती हैं। फिर हम लोग देखेंगे अपरिवर्तित एवं परिवर्तित व्यय, परिवर्तित व्यय और अपरिवर्तित व्यय। परिवर्तित जिसको परिवर्तित कर सकते हैं, अपरिवर्तित जिसको हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कहता है कि प्रोफेसर जेके मेहता परिवर्तित और अपरिवर्तित व्यय को परिभाषित किसने किया, वो भारत के हैं, वो प्रोफेसर जेके मेहता महोदय ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसा व्यय जिसकी मात्रा इस बात पर निर्भर नहीं होती कि उस व्यय द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है उनका उपयोग लोगों द्वारा किस सीमा तक की जा रही है। और दूसरा है परिवर्तित अस्थिर व्यय, अस्थिर जिसका व्यय अस्थिर होती, कभी घट भी सकता है कभी बढ़ भी सकता है, वैसा व्यय जो उन लोगों द्वारा जिनके लाभ के लिए खर्च किया गया है
सरकारी सेवाओं के उपयोग में होने वाली वृद्धि के साथ ही बढ़ता है, जैसे डाक सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय। फिर है आर्थिक वर्गीकरण। आर्थिक वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें खालू राजस्व की प्राप्ति होती है, जिसको चालू खाता या पूंजीगत खाता के रूप में हम लोग देखते हैं। उसी में फिर राजस्व व्यय, प्रतिरक्षा व्यय, सरकारी वाणिज्यिक उद्यम जैसे रेलवे, डाक, तार इत्यादि, ये सारे चीज़ें जो हम लोगों ने सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण का जो अध्ययन किया, ये किस किस रूपों में सरकार सार्वजनिक व्यय करती है और किस किस रूपों में किस किस अर्थशास्त्रियों ने इसका प्रतिपादन किया है, इसको हम लोगों ने इसका वर्णन किया, जिसमें था लाभ के आधार पर, आय के आधार पर, कार्यों के आधार पर, आवश्यक एवं ऐच्छिक कार्यों के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर, प्राथमिक एवं गौण के आधार पर, डाल्टन के आधार पर, हस्तांतरणीय एवं अहस्तांतरणीय पर, फिर परिवर्तित एवं अपरिवर्तित आर्थिक वर्गीकरण। ये 10 प्रकार के जो हम लोगों ने वर्गीकरण का अध्ययन किया, अब हम लोग इसके विषय में पढ़ेंगे सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो हम लोग आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और हम लोग अगली कक्षा में राजस्व व्यय या सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों का हम लोग अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।